सो गाइस बात करने वाला हूँ गुरु रंधावा के बारे में। जी हाँ गाइस, अगर बात करी जाए इस साल का 2022 का, यानी कि ब्रांड वैल्यू इंडेक्स जो है वो कई सारे आर्टिस्टों का आ चुका है। किस स्टार की यानी कि किस आर्टिस्ट की यानी कि किस सिंगर की रैंकिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ गाइस, बात करी जाए नंबर वन पर आते हैं ब्रांड वैल्यू इंडेक्स पर। नंबर वन पोजिशन है बादशाह भाई की। जी हाँ गाइस, बात करें नंबर टू पर है रफ्तार, यानी कि नंबर थ्री पर है हमारे दिलजीत पाजी, यानी कि चौथे नंबर पर है गुरु रंधावा। जी हाँ गाइस, चौथे नंबर पर है गुरु रंधावा। तो ये बहुत ज्यादा कमाल की बात है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ब्रांड वैल्यू इंडेक्स जो है वो मतलब कह सकते हो कि ब्रांड वैल्यू जो होती है 2022 में किस आर्टिस्ट के किस सिंगर्स की कई सारे फैक्टर्स पर जो है वो डिपेंड करी जाती है। तो उसी के हिसाब से ये जो है म्यूजिक कल्चर जो है वो रैंकिंग निकालता है। तो उसी में गुरु रंधावा का नंबर चौथा है। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। लेकिन बात कीजिए हरी सिंह का नाम इसमें फिलहाल क्यों नहीं है, ये मेरे को आई थिंक थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि हनी सिंह को भी रैंकिंग दी जानी चाहिए थी, लेकिन हनी सिंह की रैंकिंग ही नहीं है, यानी कि टॉप 10 में नाम ही नहीं है। तो पता नहीं उसका कुछ ना कुछ वजह होगी। जी हाँ गाइस, बात करने वाला हूँ गुरु रंधावा इस हफ्ते कह सकते हो कुछ अनाउंसमेंट करें, लेकिन सॉन्ग्स तो आएंगे। लेकिन जी हाँ गाइस, जितनी जल्दी सॉन्ग्स की वीडियो आ जाए वो अच्छा है, क्योंकि तभी जो है वो उसके बाद जो है वो नए नए कोलैबोरेशंस की जो है वो लीक समय पता चल पाएंगी। क्योंकि जी हाँ गाइस, अगर मैन ऑफ द मून की वीडियोस को ही आप 2-3 महीने तक खींचते रखोगे तो इसमें थोड़ा सा डिले हो जाएगा, और पब्लिक जो है वो ऑलरेडी गाने सुन चुकी है, बस वो वीडियो के लिए एक्साइटमेंट है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी सारी वीडियोज़ को रिलीज कर देना चाहिए बाय टी सीरीज।